लेकर आई हूँ सदर बाजार मार्केट दिल्ली से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स का एक वीडियो हॉल। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जिनको मैंने सदर बाजार मार्केट से खरीदा है। संडे की सदर बाजार मार्केट से मैंने इनको परचेज किया है, तो वहाँ पर जो है हर संडे मार्केट लगता है, बहुत मतलब लंबा चौड़ा जो मार्केट लगता है, और जो मंडे टू सैटरडे वहाँ की मार्केट होती है सदर बाजार की, तो वहाँ पर जो है वो बल्क में आपको वैरायटी सामान जो मिलता है अपने लिए बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस आप वहाँ से जो खरीद के सामान को कर सकते हैं, आपको बल्क में काफ़ी सारा सामान वहाँ से मिल जाता है। पार्लर का करना है, कपड़ों का करना है, या जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए आप सदर बाजार चले जाएँ। आप मेट्रो से जा सकते हैं, अपनी कन्वेंस से जा सकते हैं, पर अपनी कन्वेंस से जाने के लिए आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, वहाँ पर कन्वेंस ले जाना मतलब बेवकूफ़ी हो जाती है। तो मैं गई थी मेट्रो से, तो मैं मेट्रो से निकली थी 30,000 पर, और 30,000 से मैंने जो है वहाँ से ऑटो ले लिया था। मेट्रो के बाहर जो है वहाँ पर मेन रोड पर आपको जो है ऑटो मिल जाएंगे, तो ऑटो लेकर मैं जो वहाँ से 10-10 रुपीज़ का वहाँ से किराया लगता है ऑटो से सदर बाजार के मार्केट के लिए। तो फिर मैं ऑटो से जो है सदर बाजार मार्केट पहुंच जाती हूं और वहां पर क्या देखती हूं, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। आपको हर कुछ वहां पर मिलता है, ड्राई फ्रूट्स भी आपको मिलते हैं, मतलब बादाम जो है आपको 1, 2, 3, 4 कम से कम 3-3, 4-4 क्वालिटी में मिलते हैं। काजू, बादाम, किशमिश या जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं काफ़ी सारी मात्रा में वहाँ पर मिल रहे थे। तो मैंने जो है कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ से ख़रीदे हैं, ज़्यादा मैंने वहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा है, लेकिन जितना भी मैंने ख़रीदा है आपको वो सारे प्रोडक्ट्स मैं दिखा देती हूँ एक एक करके। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये स्टॉल हैं, वेलवेट के स्टॉल हैं ये दोनों जो हैं। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर और डिज़ाइन है, आप इसको सूट पर भी पहन सकते हैं, अपने जीन्स वगैरह जो पहनते हैं, कोई भी किसी भी तरह की ड्रेस पहनते हैं तो इसको आराम से आप जो पहन सकती हैं। काफ़ी अच्छा लुक ये देने वाला है, देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है। और भी कई सारे डिज़ाइन और कलर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो भैया इनको जो दे रहे थे वो दे रहे थे 150 रुपये के दो। ये देखिए कितना प्यारा कलर और डिज़ाइन लग रहा है इसका जो है, वेलवेट का कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम, और सर्दियों में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम मुलायम मुलायम, और थोड़ा सा गर्मी भी रहता है, तो आप किसी भी ड्रेस के साथ इनको जो है ना आराम से पहन के जा सकते हैं। तो भैया जो इनको दे रहे थे वो दे रहे थे 150 रुपये के दो, तो मैंने भैया से बार्गनिंग करके ये 100 रुपीज़ में दो लिए हैं। स्टॉल काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी बढ़िया है, इसमें मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ है, तो मैंने ये दो लिए हैं। फिर आ जाते हैं, ये देखिए
ये यहाँ पर स्पेस बना हुआ है इनके अंदर दोनों में, और यहाँ पर टांगने के लिए बना हुआ है। तो वॉल हैंगिंग है ये एक तरह के, पता नहीं इनको क्या बोलेंगे, पर मुझे ये बहुत अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिए, क्योंकि इनको वॉल पर इस तरीके से टांग के आप बाथरूम में टांग लें, किचन में टांग लें, या ड्राइंग रूम में, या जहाँ भी आपको ठीक लगे, आप इनको यहाँ पे टांग के इस तरीके से कील पे पूरा दीवार पे टंग जाएगा। और यहाँ पर आप कुछ भी सजाने का सामान रख सकते हैं, या आपको सेपरेट कुछ ऐसा सामान रखना है जो आपको रखना है ऊपर एकदम बिल्कुल अलग, तो आप वो भी रख सकते हैं, इसको सजाने के लिए यूज ले सकते हैं। तो ये वहां पर एक बंदे ने काफी सारा ढेर डाला हुआ था, ये गंदे गंदे थे, मतलब पुराने नहीं थे, लेकिन स्टॉक में जहां पर ये पड़े रहते हैं गोदाम वगैरह में किसी में, वहां पर जो है ये गंदे हो जाते हैं, पड़े पड़े धूल मिट्टी इनके अंदर लगी हुई थी, बस पैकिंग में है बकायदा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पड़े हुए थे। तो इनके अंदर सिर्फ धूल मिट्टी लगी हुई थी, मैंने इनको धो के वॉश करके देखिए कितना अच्छे से चमका दिया है, पूरा साफ कर दिया है, इसके ऊपर धूल थी, गंदे नहीं थे बिल्कुल भी, फिर भी मैंने इनको धो लिया, क्योंकि बाहर से आई चीज़ है तो गंदी होती है। तो ये देखिए मैं इनको ऐसे यहाँ से टांग दूंगी, आप भी कहीं भी इस तरीके से टांग सकते हैं, और 10-10 रुपये में सिर्फ ये मैंने उससे लिए, सिर्फ 10-10 रुपये में मैंने ये उससे ले लिए हैं। और वैसे मार्केट में अगर इन्हें लेने जाएंगे तो आप कहिए कितने के ये मिलेंगे, मुझे तो बहुत सस्ते मिले तो मैंने ले लिए, अगर ये महंगे होते तो मैं बिल्कुल नहीं लेती, जो चीज़ मुझे सस्ती लग रही थी वो मैंने ले ली, और मुझे ठीक भी लग रहे थे सामान रखने के लिए, कुछ जो है सजाने के लिए। और कुछ देखिए, कुछ यहाँ पर मैंने लेसेस ली हैं, क्योंकि मैं DIYs बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, तो उनके लिए मुझे सस्ता सामान चाहिए होता है, तो वहाँ पर बहुत तरह की वैरायटी मिल रही थी। अगर आप ये मतलब मंडे टू सैटरडे जो मार्केट होती है वहाँ पर, थोक वाली मार्केट जो होती है, तो उसमें तो आपको बहुत सारा यही पीस, मैंने एक सिंगल लिया है तो यही आपको पूरा पैक लेना पड़ेगा, तो पूरा पैक तो हम ले नहीं सकते हैं, पूरे पैक का हम करेंगे क्या। तो मैंने ये वहाँ पर जो पटरी पर संडे बाजार में जो पटरी बाजार लगता है वहाँ पर, तो ये मैंने वहाँ से लिए, उसने मुझे 40 रुपीज़ में पूरा पैक दिया है, इसके अंदर उसने मुझे बताया है 9-10 मीटर के आसपास उसने शायद बताया है मुझे। तो मुझे सिंपल सोबर ये लेस लेनी थी, मुझे चाहिए थी तो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे इस तरह के DIY बनाने के लिए चाहिए होती हैं। ऐसी ये डोरी का पूरा पैक है, देखिए 20-20, 30-30, 40-40 रुपये में इस तरीके से पूरे पूरे पैक जो है ये मिल रहे थे वहाँ पे, तो मुझे ये चाहिए होते हैं। और यहाँ से मैं मार्केट से कभी मुझे इमरजेंसी में लेना पड़ता है, मैं लेके आती हूँ, तो वो 10 रुपये मीटर देते हैं, और यहाँ पर ये कम से कम 9-10 मीटर से मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है, तो उस हिसाब से मुझे ये ठीक लगे तो मैंने ये ले लिए। और अभी आप देखिए ये भी है, लटकन है कुछ, जो लटकन हम यहाँ मार्केट से लेने जाते हैं, जो साड़ियों में, ब्लाउजों में, इधर इस तरीके से लहंगे के उसमें, किसी भी ड्रेस में हम लगाते हैं ये लटकन जो है, देखिए, तो ये यहाँ पर क्या देते हैं, 20 रुपये, 10, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, तो यहाँ पर इतने महंगे महंगे इनके रेट होते हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए ये इतनी सस्ती सस्ती मिलती हैं, काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर जो है। तो मैं ये काफ़ी सारी लेके आई हूँ वहाँ से, तो 100 रुपीज़ की मैंने ये ली हैं, काफ़ी मतलब एक जोड़ा है ये जोड़ा है, एक जोड़ा आपको 10 रुपये का मिल रहा है, और आप यहाँ लाके इसको कम से कम 20-30 रुपये का बेच सकते हैं मार्केट में जो है। तो ये भी ये सोचिए कि ये 10 रुपये का मुझे वहाँ से मिल रहा है, जहाँ पे मुझे ये खुला सामान मिलता है, मतलब बल्क में नहीं मिलता, इकट्ठा नहीं मिलता है, वहाँ से नहीं, सदर बाजार से सामान जो है कितना सस्ता मिलता है, आप भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो बर्थडे में, एनिवर्सरी में जो हम बलून्स लगाते हैं ना, रंग बिरंगे बलून्स आ रहे हैं बड़े बड़े से, ये वही हैं, देखिए 20-20, 30-30 रुपए के वहाँ पर जो है पैकेट मिल रहे हैं, अलग अलग सबका जो रेट होता है कलर वाइज जो है अलग अलग रेट है, और इनकी क्वांटिटी के हिसाब से भी अलग अलग रेट है। तो मैंने तो वहाँ से ले लिए ये पैकेट जो है, और ये जो गोल्डन पीछे जो लगाने वाली, बैक साइड में जो लगाने वाली दीवार पे जो लगाते हैं पूरा, ये भी मैंने 3-3 लिए हैं, ये भी काफ़ी सस्ते थे वहाँ पर जो है, 20-20 रुपए के थे शायद जो है ये जो है। और ये भी, ये ज़्यादा बलून वाले पैकेट मैंने लिए हैं, एक ये लिया है और एक ये लिया है गोल्डन वाला, तो ये भी मुझे काफ़ी सस्ते लग रहे थे, इस वजह से मैंने ले लिए, वरना अगर ये महंगे होते तो मैं ये कोई भी सामान इनमें से लेती नहीं, क्योंकि ये सब सस्ता मिल रहा था और मुझे चाहिए भी होता है, तो इस वजह से मैंने ये सब ले लिया, वरना अगर ये सब महंगा होता ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। इन बलून्स का यूज़ तो आप मेरी आने वाली वीडियोज़ में आगे देखते ही रहिएगा।
और नेक्स्ट जो लिया है वो लिया है मैंने, एक ये है लोअर है, ये गरम है, देखिए गरम है, पूरा गरम वाला कपड़ा है इसका। इसको भी भैया 150 रुपये में दे रहे थे, इसको भी भैया वहां पर 150 रुपये में दे रहे थे, तो मैंने उनको 100 रुपीज 110 में जो है ये वहां से ले लिया है। तो मतलब 150 रुपये में कहाँ से कुछ मिलता है क्या कुछ, मैंने उसमें भी बार्गेनिंग करा ली और ये ले लिया संडे मार्केट से। काफ़ी अच्छा मुझे जो सदर मार्केट में काफ़ी अच्छा, मतलब ये संडे मार्केट वाला बाजार जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हर तरह का वैरायटी वहाँ पर मिलती है, नए कपड़े पुराने कपड़े बाकी अदर सामान जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो भी काफ़ी सारी मिलती है। मतलब कि मार्केट में हर तरह का सामान आपको मिल जाता है, किचन का भी मिल जाता है, और अलग अलग जो है वहाँ पर सदर बाजार से अलग अलग मार्केट भी हैं कई सारी, जहाँ पर लोग जो है बस बहुत ज़्यादा भीड़ थी, खचम खच भीड़ थी, तो मैं तो उस तरफ गई ही नहीं, जहाँ तक गई हूँ वहीं से मैंने इतना सारा सामान ले लिया, यही काफ़ी था, और उतने में ही मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा दूर तक जो मार्केट लगी हुई थी। तो ये लोअर भी कुल मिला के काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं गर्म कपड़े का है बिल्कुल, जो है स्वेट शर्ट वाला जो कपड़ा होता है ना ये उस कपड़े का है, तो काफ़ी अच्छा लोअर है ये भी। और एक और चीज़ देखिए वहाँ पर मिल रहे थे ये बॉक्स जो होते हैं, ये बॉक्स जो होते हैं जिनमें ज्वेलरी वगैरह होती है, कोई भी इनके आइटम होते हैं, तो ये शॉप्स वगैरह में से निकलते होंगे, एक्स्ट्रा होते होंगे ना वहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर कुछ मार्कर वगैरह से इन पे जो लिखे हुए थे यहाँ पर सब जगह, तो मैंने इनको भी वॉश करके साफ कर दिया बिल्कुल, जो है साफ कर दिया इनको भी वॉश करके मैं वहाँ पे, मतलब मिल तो रहे थे काफ़ी सारे लेकिन लाने की थोड़ी दिक्कत होती है, तो पता नहीं मैं तो 15-15 रुपये में जो इनको लेकर आ गई हूँ भैया से, मेरे ख्याल से 15 या 12 रुपये में मेरे को ये दिए उसने भैया ने, 3 डब्बे लिए मैंने, मुझे चाहिए होते हैं ज्वेलरी वगैरह आती है काफ़ी सारे आइटम मेरे आते हैं तो इधर उधर पड़े रहते हैं बहुत सारे सामान, तो ये ज्वेलरीज के लिए और वैसे छोटे मोटे आइटम्स के लिए ना काफ़ी अच्छे होते हैं, और सस्ता सामान मिल रहा है तो क्यों ना लिया जाए, सेकेंड हैंड होने में मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड हैंड होने से मतलब ये ख़राब नहीं हुआ है, टूटा फूटा नहीं है कहीं से भी, बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी है, जैसा नया आता है वैसे ही अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल बढ़िया। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप देखिए एक ये लिया है मैंने शॉल, ये गरम वाला शॉल लिया है एक, सिर्फ 150 रुपये में लिया है, और बहुत मोटा और गरम कपड़ा है इसका जो है, काफी अच्छा कपड़ा है, तो आपको काफी सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। वहां पर आपको मतलब कि ब्राइडल लहंगे होते हैं गर्ल्स के लिए जो लहंगे होते हैं वो भी वहां पर मिल रहे थे, लहंगे की जो क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी, मुझे तो काफी पसंद आ रहे थे, काफी अच्छे थे गर्ल्स के लिए, मतलब ब्राइड के लिए भी अच्छे थे और गर्ल्स के लिए मतलब बिना विदाउट ब्राइड भी जो होते हैं वो भी काफी अच्छे थे, और उनका प्राइस सुनेंगे तो वो और भी अच्छा था, 3,000 का बोल रहे थे वो, और उसमें भी वो बार्गेनिंग करने के लिए तैयार थे, ठीक है। और दूसरा जो होता है लहंगा वो मतलब गर्ल्स के लिए जो लहंगा होता है वो था 1,500 रुपये का था, और उसमें भी वो मतलब 1,500 रुपये वाले में थोड़ी कम एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, और 3,000 वाले में फुल होती है जो जो ब्राइडल्स के लिए होती है फुल एम्ब्रॉयडरी, और जो 1,500 वाला था उसमें भी वो बार्गनिंग करने के लिए तैयार था, 3,000 वाले में भी, तो बार्गनिंग करके आप सोच सकते हैं इतना अच्छा लहंगा वगैरह ड्रेस वगैरह आपको मिल रही है सदर बाजार संडे मार्केट से, तो मेरा तो देखकर ही मतलब दिल खुश हो गया कि कितनी अच्छी वैरायटी यहाँ पर मिल रही है, काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा है। हाँ भीड़ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग दूर दूर से आते हैं इधर उधर से, अपनी जिन्होंने ऐसी लेडीज़ होती हैं जिन्होंने अपने घर में शॉप की हुई है या वैसे की हुई है शॉप वगैरह, जो सामान अपना बेचने के लिए लेके जाते हैं वो सारा सामान भी वहाँ पर मिल जाता है, छाँट छाँट के ढूंढ ढूंढ के सब लोग ले जाते हैं, हर तरह का सामान वहाँ पर मिलता है, तो मतलब आप जो है 1 रुपए का सामान लेकर जा रहे हो और उसको जो है 50 रुपए का बेच रहे हो, इस तरीके से मतलब वहां पे आपको मार्जिन मिल जाता है इस तरह। तो अभी देख लीजिए नेक्स्ट और है, इसके अंदर काफी सारे सामान हैं, मैं आपको एक एक करके निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये रिंग है, मतलब ये ना गोटा इसके ऊपर, ये रिंग है ये गोटा इसके ऊपर पूरा जो लिपटा हुआ है,
तो मैं DIY बनाती हूँ, तो मैं वो सोच के ले आती हूँ ये सब चीजें जो है मुझे ठीक लगी, मिल रही थी तो मैंने ले ली, बाय चांस की बात है, ऐसा नहीं है कि हमेशा कहीं पे कुछ मिल जाता है। तो सदर बाजार तो मुझे लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही होगा। तो ये यहाँ पर जो है एक गोटा इसके अंदर लगा हुआ है, पूरा इसको डिजाइन बनाया हुआ है इसको जो है। तो ये जो मुझे दोनों 5 रुपए के मैंने उससे ले लिए थे। और ये मतलब किस चीज का है डिजाइन बताइए? ये डिजाइन है जो दिवाली के लिए या वैसे कोई डेकोर के पीस बनाए जाते हैं ना, उनमें जो लगाए जाते हैं ये उनके हैं। उसमें से बचे हुए सामान जहाँ भी ये बनता होगा वहां से इकट्ठा लौट जो आ जाता है उठा के लोग बाग ले आते हैं बेचने वाले। तो ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारा इतना सारा सामान था तो वहां से ये छांट के मैंने भी थोड़ा बहुत ले लिया था। ये देखिए ये 10 रुपए का है। तो इस तरह की आप देख सकते हैं ये दिवाली पर ही होते हैं, जो दिवाली के डेकोर के पीस बने हुए होते हैं, जो 1-1 हज़ार, 500, 700, 400, 800, मतलब महंगे महंगे ही होते हैं, सस्ते नहीं होते हैं। ये देखिए मैंने पूरा 10 रुपए का ले लिया सिर्फ जो है, मतलब वो 10 का ही दे रहे थे, मैंने कम करने के लिए बोला था लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो देखिए इतना अच्छा लग रहा है। और एक ये है रेड कलर की डोरी, 10 रुपए की है सिर्फ जो है। और वैसे मैं लेने जाती हूँ अगर धागा मुझे चाहिए हो रेड कलर का, जो गले में पहन लेते हैं, कुछ बना लेते हैं लॉकेट वॉकेट सा, तो वैसे अगर लेने जाते हैं तो 10 रुपए का ही 1 मीटर देते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है ये जो है आपका टंग सफाई करने के लिए है। तो इसके अंदर है 5 और 5, 10 पीस हैं इसके अंदर। ये भी सस्ता मिल रहा था इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कई बार हमने देखा तो प्लास्टिक का तो मिल जाता है, ये नहीं मिल रहा था। और वैसे भी लेने जाओ तो वो लोग 1-2 के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे तो पूरा देखिए पूरे परिवार के लिए ही मिल गया ये पैकेट। नेक्स्ट देखिए ये भी एक डोरी है, ये 2-2, 4-4, 5-5 रुपए की चीजें मिल रही होती है ना, इसलिए मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो इनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी मैं नहीं लेती हूँ, सोच समझ के लेती हूँ कि क्या चीज मुझे चाहिए होगी और क्या नहीं। जब मेरे पास पहले से ही कुछ सामान होते हैं DIY के तो मैं उन्हें सोच के ही DIY बना लेती हूँ। कुछ सामान मिलता है, कुछ निकालती हूँ तो उन्हीं से कर लेती हूँ काम। मैं एक्स्ट्रा खरीद खरीद के नहीं लाती हूँ DIY के लिए, कुछ लेके आती हूँ थोड़ा बहुत जो जरूरी होता है सिर्फ वो, और बाकी का मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी पैकेट में थे, ये इस तरीके के पैकेट हैं। मैंने सिर्फ 3 पैकेट लिए थे, एक ये है और 2 ये हैं। 3 पैकेट लिए, ये 5 रुपए का दे रहा था। इसके अंदर ना मिरर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये पूरा ऊन से डिजाइन बना हुआ है, घुंघरू लगे हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से, इन सब में ना ये मिरर वाले हैं। तो आप इनको स्कर्ट में और जो क्या कहते हैं दुपट्टे में, या कोई DIY बना रहे हैं उसमें, तो ये सब चीजें उन सब चीजों की ही हैं। कोई DIY बनता होगा और डेकोर वगैरह पीस वाले बनते होंगे डेकोर के, तो ये उनके ही पीस होते होंगे जो सारा सामान इसके अंदर निकला है, लिया है मैंने। तो एक और रह गया है ये लास्ट का, इसमें ना काफी सारे रिंग हैं, इनके ऊपर रेशम का मतलब ऐसे जो है बाइंडिंग किया हुआ है इनको रेशम के धागे से, और ये सारे रिंग हैं पूरे के पूरे। मतलब पता नहीं ये किस यूज में आते होंगे, पर मुझे ये कई सारे कलर में वहां पर मिल रहे थे। ये भी था एक थोड़ा और डार्क था, वाइट सा था, मतलब 3-4 कलर थे इसके अंदर जो है, लेकिन मुझे ये कलर अच्छा लगा। और मुझे जो है मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे ये किस लिए चाहिए, पर मैंने ये ले लिया। अब मेरे पास जब ये रखे रहेंगे तब मेरे दिमाग में धीरे धीरे करके मुझे पता लगेगा कि मुझे इनसे बनाना क्या है आखिर, कहाँ मैं इन्हें यूज लेने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का सदर बाजार संडे मार्केट का व्लॉग्स। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? इस व्लॉग में दिखाए गए मेरे प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगे? महंगे थे, सस्ते थे, अच्छे थे, जैसे भी हों, जैसे भी आपको अच्छे लगे हों या बुरे लगे हों, जैसा भी आपके मन में कुछ थॉट आ रहे हों वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।